तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं साउथ ईस्ट टॉयलेट की वास्तु रेमेडी की। अगर आपने भी अपने घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गलती से टॉयलेट बना रखा है तो आप उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। दोस्तों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो डायरेक्ट आपके पैसे से लिंक रखती है, अगर साउथ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना रखा होगा तो देखेंगे आपकी जो लिक्विड कैश की प्रॉब्लम है वो लगातार आपको चलती रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा ही आपकी गड़बड़ रहेगी। मार्केट में लोग आपका पैसा मार लेंगे अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो, अगर टाइम पे आपको पेमेंट जब चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी। और हमेशा ही आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो तब भी आपको जो महीने में आपको सैलरी मिलती है उसमें भी आपको दिक्कत आती रहेगी आपका खर्चा चलाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट ये जो पैसे से लिंक होता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का, 135 डिग्री साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है जो डायरेक्ट शुक्र ग्रह से रिलेट करती है। वास्तु के हिसाब से ये डायरेक्शन होती है जो रसोई के लिए होती है, किचन के लिए होती है। आपको यहाँ पे किचन बनाना होता है और यहाँ पे गैस इस डायरेक्शन में आपको अपना चूल्हा जलाना होता है, जिससे कि आपको आपके सभी घर को का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहता है और फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़िया रहती है अगर आप यहाँ पर रसोई बनाते हैं। लेकिन आपने रसोई नहीं बना रखी है, आपने गलती से यहाँ पे टॉयलेट बना रखा है, तो उसकी आपका रेमेडी बताते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट बना रखा है और आपने सीट लगा रखी है, यहाँ पे सीट के चारों साइड आप रेड कलर की पट्टी जरूर करेंगे। सबसे पहले इंडियन सीट है तो आप चारों साइड कर देंगे, अगर वेस्टर्न सीट है तो आप तीन साइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेड कलर का स्टोन भी यूज कर सकते हैं पट्टी के रूम में। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, आपको यहाँ पे इस दीवार पे या इस दीवार पे आपको रेड कलर का बल्ब ज़रूर जलाना है। आप रेड कलर का बल्ब लगाएंगे इन दोनों दीवार पे, कहीं भी लगा लें, किसी भी दीवार पे आप एक रेड कलर का बल्ब ज़रूर लगाएं। और आप कोशिश करें यहाँ पे कांच की कटोरी के अंदर सी सॉल्ट और कुछ थोड़ी फिटकरी डालकर आप ज़रूर रखें इस टॉयलेट के अंदर। आपको वो हमेशा रखनी है और आप उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद चेंज करते रहेंगे। 15-20 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद आप उसे चेंज कर देंगे और उसी से ही आप इस टॉयलेट को साफ भी कर देंगे। जब भी आप चेंज करेंगे, आधी बाल्टी पानी लेके उसमें मिला के आप इस टॉयलेट को साफ़ कर देंगे। दोबारा आप उस कांच की कटोरी में आप सी सॉल्ट और फिटकरी डाल के रख देंगे यहाँ पे। दोस्तों, कभी भी आपको इस टॉयलेट के अंदर ब्लू कलर या ब्लैक कलर की कोई भी आइटम यूज नहीं करनी है। किसी भी तरह की कोई बाल्टी, मग्गा या कोई भी इंटीरियर आपको ब्लू या ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ रेड लाइट पिंक, रेड फैमिली के जो कलर हैं वो ही आपको लाइट शेड में यूज करने हैं। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। और कभी भी आपको यहाँ पे पानी की बाल्टी है वो जो भर के नहीं रखनी है। आपको सिर्फ जब यूज करना है, इसी टॉयलेट में जाएंगे जब भी आप इसे यूज करेंगे, पानी की बाल्टी आप कभी भी भर के नहीं रखेंगे आप यहाँ पे। उसी के साथ दोस्तों, आप यहाँ पे फ्रेग्रेंस जरूर यूज करेंगे। और हो सके तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगा के आप उस एग्जॉस्ट फैन को यूज करेंगे तो वो जहाँ यहाँ की जो काफ़ी नेगेटिविटी है वो एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ से थ्रू आउट कर देता है, जो है वो सब बाहर निकाल देता है। और इस टॉयलेट का जो भी गेट बना रखा आपने, जिस भी साइड गेट बना रखा है दोस्तों, आप उस गेट को हमेशा बंद रखेंगे। और हो सकता है तो आप यहाँ पे स्पाइडर प्लांट या फिर स्नेक प्लांट, वो आपको नज़दीकी नर्सरी में मिल जाएगा, वहाँ से ला के आप वो स्पाइडर प्लांट या स्नेक प्लांट आप ज़रूर रखेंगे अपने इस टॉयलेट के पास, जिससे कि काफ़ी हद तक जो इसका वास्तु दोष है जो वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ब्लू और ब्लैक कलर आप किसी भी हाल में इंटीरियर और एक्सटीरियर में कहीं भी आप ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ नहीं करेंगे। साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिर्फ रेड फैमिली के कलर यूज़ करेंगे। बल्ब आप ज़रूर लगाएंगे, किसी भी दीवार पे आप लगा सकते हैं रेड कलर का बल्ब, उसे आप ज़रूर जलाएंगे। और आपको इसके चारों साइड पट्टी ज़रूर बनानी है और सी सॉल्ट और फिटकरी आपको कांच के बाउल में डालकर ज़रूर रखनी है। हो सके तो आप मार्केट में बहुत सी फ्रेगरेंस मिलती हैं, आप फ्रेगरेंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी काफ़ी हद तक इसकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक रख रखा है तो दोस्तों, आप उस अगर आप इसे चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम जो इसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक रखा है दोस्तों, उसे आप उठा के आप ईस्ट साइड में ले जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में लेके जा सकते हैं। और पानी और पाइप के जरिए आप सिर्फ पानी की सप्लाई यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप टॉयलेट नहीं चेंज कर सकते। अगर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आप इसे साउथ साउथ वेस्ट में कर सकते हैं, WNW में या ESC में कर सकते हैं इस टॉयलेट को। अगर टॉयलेट चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ले जाके शिफ्ट कर दें। इसका ऊपर से सिर्फ पाइप लेके आप पानी का कनेक्शन है जो यहाँ पे रख लें आप। जितना हो सके आप कम पानी यूज़ करेंगे इसके अंदर, जब ज़रूरत हो तभी आप पानी यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप यहाँ पर पानी यूज़ नहीं करेंगे।
तो ये कुछ रेमेडी है दोस्तों, अगर आप ये कुछ रेमेडी करते हैं तो देखेंगे आप कुछ ही दिनों के अंदर जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। जो लिक्विड कैश है आपका अच्छे से, आप जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास जब भी आपको कोई भी काम होगा पैसे से रिलेटेड, कोई आपकी पेमेंट नहीं मारेगा मार्केट के अंदर, और आपका जो डेली का खर्चा है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।